जब आप बोल रहे हैं नेता प्रतिपक्ष खड़ा है, बैठ जाएंगे सदन की भी तो कोई आसन की भी तो कोई मर्यादा है ना। अरे सदन यह आसन को गाइड किया जा रहा है और किसी एक व्यक्ति के बारे में यहाँ बोला जाएगा, क्या हो रहा है? नहीं चलेगा इस तरह से, क्या हो रहा है? उन्होंने मांग किया कि दलीय नेताओं की बैठक बुलाई जाए। सोमवार को 10 बजे दलीय नेताओं की बैठक बुलाई गई है और उस आप बीच में क्यों बोले? जब नेता प्रतिपक्ष खड़ा है आसन बोल रहे हैं तो सुनिए, थोड़ा सुनने की आदत डालिए। जब आप बोल रहे हैं नेता प्रतिपक्ष खड़ा है, बैठ जाएंगे सदन की भी तो कोई आसन की भी तो कोई मर्यादा है ना। अच्छा एक मिनट बैठ जाइए सभी लोग, नेता प्रतिपक्ष एक मिनट बैठ जाइए। आप सुन लीजिए ना, ये देखिए ये सदन की खूबसूरती है कि आसन की सम्मान के प्रति सभी सजग हैं और ये अच्छी बात है, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। आसन सभी की बात को सुनेंगे, नियम के अनुसार समय भी देंगे, आप लोगों की ही बात को लेकर गंभीरता को देखते हुए कि प्रश्नोत्तर काल चले, सदन चले, दलीय नेता की मांग आपने किया, हमने दलीय नेताओं की बैठक रखे हैं, उस बैठक में सभी दल के नेता रहेंगे, वो वहां पर हम लोग सारे विषय पर बातचीत करेंगे, आप प्रश्नकाल को आगे बढ़ने दीजिए ताकि सदन के अंदर सदस्यों की और जनहित की विषय पर विचार हो। आपकी बात को हम लोगों ने सुना, आसन के प्रति हम लोगों का सम्मान है, लेकिन ये बेहद जरूरी है, अगर हमारे पास कोई ठोस एविडेंस है तो उसको सदन के पटल पे रखा जाए। ये बिहार सरकार के मंत्री के ऊपर है महोदय आरोप, इनके पिताजी का नाम अर्जुन राय है महोदय, और इन्होंने एक मीडिया के बयान में इन्होंने ये जिक्र किया है। अध्यक्ष महोदय, सदन नहीं चलेगा। अध्यक्ष महोदय, कोई तरीका नहीं है। अध्यक्ष महोदय, सदन नहीं चलेगा, ये कोई तरीका नहीं है। जो विषय आज के बिजनेस में तय है उस पर बात होनी चाहिए सदन में। वो आसन तय करेगा सदन के महत्वपूर्ण बिजनेस को रोक के कुछ ऐसी बातें जो आप आसन के द्वारा बार बार नियमन देने के बावजूद भी इस तरह की अगर बातें हो रही, सदन सभी सदस्यों के लिए है, किसी एक व्यक्ति के लिए सदन नहीं है। आपने 2 मिनट कहा, 12:15 बजे हम अपने बात को रख करके हम बैठ जाएंगे महोदय। 2 मिनट आपने जिक्र कहा, बोलिए। मंत्री जी के पिताजी का नाम है अर्जुन राय, उन्होंने ये मीडिया में बयान दिया है। फिर एक चीज बता दीजिए नेता प्रतिपक्ष कि सोमवार को दलीय नेताओं की बैठक नहीं करें जब विषय आप अध्यक्ष महोदय, किसी माननीय मंत्री के संबंध में चलेगा इस तरह के सत्र में कोई विषय लाना उनके पिताजी के बारे में और सब आसन को नियमन देना चाहिए। किसी के भी परिवार के लोगों के बारे में नहीं बोला जा सकता महोदय, उचित नहीं है। ये गलत परंपरा हो रही है इस सदन में। बैठ जाइए सभी लोग। आप आसन का सम्मान नहीं कीजिएगा, आप आसन का सम्मान नहीं कीजिएगा महोदय। 2 मिनट का समय दिया गया, नेता प्रतिपक्ष व्यक्तिगत नाम नहीं, लोग हित से जुड़े विषय है उस पर बात करनी चाहिए, नहीं लेंगे। देखिए ऐसे भी पहले भी कहा गया है कि किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं लेंगे। कोई महोदय, ये कोई विषय आज लिस्ट ही नहीं है, ये सुन क्या चल रहा है, सारे ये आसन को गाइड किया जा रहा है और किसी एक व्यक्ति के बारे में यहाँ बोला जाएगा, क्या हो रहा है? नहीं चलेगा इस तरह, क्या हो रहा है? बैठ जाइए नेता, क्या मजाक है? बैठ जाइए नहीं चलेगा तो सदन को नहीं। आप लोग अपने अपने स्थान पर जाएं, माननीय सदस्य अपने स्थान पर जाएं।
ऐसे नहीं सुना जाएगा। सभी दल आप अपने स्थान पर जाएं पहले। आप लोग अपने स्थान पर नहीं जाएंगे। एक चीज बता देते, सुनिए, आज सुनिए, आप सुन लीजिए माननीय सदस्यगण, सभा की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है।